मेरी जान ले सकते हो लेकिन मेरे देश को नहीं। यू मे टेक मी बट नॉट माय कंट्री। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन सिनेमा की फिलहाल में चल रही इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 3 जून को रिलीज हुई कमल हसन सर की फिल्म विक्रम और तेलुगु इंडस्ट्री की आदि विशेष सर की फिल्म मेजर इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 8 दिन पूरी कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यह फिल्म शुरुआती 8 दिनों में टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर चुकी है। साथ ही इन दोनों फिल्मों का आज नवा दिन चल रहा है, आज कितनी परसेंट ऑक्युपेंसी पर खुला है। इन दोनों फिल्मों को लेकर बॉक्स ऑफिस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वहीं बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 के सक्सेस के बाद कन्नड़ा इंडस्ट्री की और एक फिल्म रिलीज हो चुकी है 777 चार्ली। यह फिल्म दोस्तों इंडियन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कल रिलीज हो चुकी थी। यह फिल्म अपने पहले ही दिन कितनी की ओपनिंग ले चुकी है। साथ ही इस फिल्म का आज दूसरा दिन चल रहा है, आज कितनी परसेंट ऑक्युपेंसी पर चल रहा है इस फिल्म को लेकर आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी साउथ फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बताते चले दोस्तों, किरण राज के डायरेक्शन में बनने वाला एडवेंचर ड्रामा फिल्म है 777 चार्ली। इस फिल्म का दोस्तों बजट बताते चले 40 करोड़ बताई जा रही है, जो कि प्री रिलीज बिजनेस से यह फिल्म अपने बजट को रिकवर कर चुकी है। यह दोस्तों बताते चले एक पैन इंडिया फिल्म है, जो कि हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषा में एक साथ रिलीज हुई है। अगर दोस्तों इस फिल्म के फर्स्ट दिन एडवांस की बात करें तो यह फिल्म बजट के हिसाब से काफी एवरेज 1,66,00,000 रुपए की एडवांस कलेक्शन कर चुकी थी। वहीं दोस्तों, अगर इस फिल्म के फर्स्ट दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म अपने पहले दिन कल ऑल ओवर इंडिया से 6 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने में कामयाब हो चुकी थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिव्यूज मिल रही है। इस फिल्म का दोस्तों आज दूसरा दिन चल रहा है और इस फिल्म को लेकर मॉर्निंग के शो 50% ऑक्युपेंसी पर ओपन हुई है, जबकि आफ्टरनून के शो 60% ऑक्युपेंसी पर चल रहा है, जबकि इवनिंग के शो 70% ऑक्युपेंसी पर चल रहा है, जिससे कि यह फिल्म अपने दूसरे दिन यानी कि आज 8 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने में कामयाब होने जा रही है। तो फाइनली दोस्तों, अगर अगली फिल्म की बात करें तो लोकेश कनकराज सर के डायरेक्शन में बनने वाला एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है विक्रम, जिसे कि इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 3 जून को रिलीज कर दिया गया था 3,000 से 4,000 स्क्रीन के साथ। यह फिल्म थी दोस्तों एक पैन इंडिया फिल्म थी, जो कि तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु 3 भाषा में एक साथ रिलीज हुई थी। यह फिल्म दोस्तों अपने पहले ही दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 32 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी और इस साल रिलीज हुई थला अजीत कुमार सर की फिल्म वालीमे के फर्स्ट दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी थी। शुरुआती 5 दिनों में ही थलापति विजय सर की फिल्म बीस्ट के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी थी। इस फिल्म को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है और यह फिल्म अपने फर्स्ट वीकेंड में ही इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 143 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी, जबकि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 250 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी थी अपने फर्स्ट वीकेंड में ही। वहीं दोस्तों, इस फिल्म का कल 8वां दिन था और यह फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 8,21,00,000 रुपए की कमाई कर चुकी थी। इस फिल्म का दोस्तों आज नवा दिन चल रहा है और इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच काफी ज्यादा क्रेज और एक्साइटेड बनी हुई है। इस फिल्म को लेकर दोस्तों मॉर्निंग के शो 70% ऑक्युपेंसी पर ओपन हुई है, जबकि आफ्टरनून के शो आउटस्टैंडिंग 80% ऑक्युपेंसी पर चल रहा है, जबकि इवनिंग के शो 60% ऑक्युपेंसी पर चल रहा है, जिससे कि यह फिल्म अपने 9वें दिन 15 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने में कामयाब होने जा रही है। तो फाइनली दोस्तों, अगर अगली फिल्म की बात करें तो शशि किरण सर के डायरेक्शन में बनने वाला एक्शन ड्रामा फिल्म है मेजर, जिसे की प्रोड्यूस किया है महेश बाबू सर ने। इस फिल्म के दोस्तों कास्ट में बताते चले आदि विशेष सर के अलावा साई मंझेकर, सोभिता धुलीपात, मुरली शर्मा, प्रकाश राज जैसे बेहतरीन और दिग्गज कलाकार काम करते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म को भी दोस्तों इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 3 जून को रिलीज कर दिया गया था, जो कि अपने पहले ही दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 7 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी, जो कि बजट के हिसाब से काफी एवरेज कमाई कर चुकी थी। इस तरह से यह फिल्म अपने फर्स्ट वीकेंड में ही इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 32 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी, जबकि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 55 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। इस फिल्म के दोस्तों 8वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 8वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 97,00,000 रुपए की कमाई कर चुकी थी। इस फिल्म का दोस्तों आज नवा दिन चल रहा है, मॉर्निंग के शो इस फिल्म को लेकर 40% ऑक्युपेंसी पर खुला है, जबकि आफ्टरनून के शो 35% ऑक्युपेंसी पर चल रहा है, जबकि इवनिंग के शो 51% ऑक्युपेंसी पर चल रहा है, जिससे कि यह फिल्म अपने 9वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 2 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने में कामयाब होने जा रही है। तो फाइनली दोस्तों, अगर आप भी ऐसे वीडियो बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड साउथ से जुड़ी अपडेट के लिए आपके चैनल मूवी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।